नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं नीतू वर्केला। कैरिबियाई सागर स्थित द्वीप देश क्यूबा में एक ओर तो राजनीतिक अस्थिरता है, लेकिन दूसरी तरफ ये छोटा सा देश इक्का दुक्का नहीं बल्कि 5 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रहा है। इनमें से 2 टीके अपने अंतिम चरण यानी कि फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अगर तीसरा ट्रायल भी सफल रहा तो क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा जिसके पास स्वदेशी वैक्सीन होगी। वैसे क्यूबा के मेडिकल इतिहास को देखते हुए ये बात बहुत हैरतअंगेज नहीं होगी। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। साल 2020 के मार्च में यूरोपियन देश कोरोना से लड़ रहे थे। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ वहां जाने से घबराने लगे थे। तब क्यूबा जैसे छोटे से देश ने अपने डॉक्टरों की टीम यूरोप के अलावा वेनेजुएला, निकारगुआ, जमैका और सूरीनाम भेजी, जहां कोरोना तांडव कर रहा था। जब क्यूबा के डॉक्टर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उन्हें ऐसे ही किसी देश में भेजा जाता है जहां संक्रमण बीमारी फैली हो या कोई दूसरी जरूरत हो। अक्सर वो 1 से 2 साल तक वहां काम करते हैं। संक्रमित जगहों पर जाने से पहले अस्पताल उनकी सख्त ट्रेनिंग करवाते हैं जिसमें पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। साथ ही उन्हें उस देश की भाषा, खान पान और संस्कृति का भी बेसिक ज्ञान मिलता है। लगभग 1.15 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश में कई ऐसी खासियतें हैं जो इसका हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं से सारे देश सीख सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल लगभग 60 देशों में क्यूबा के 30,000 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। क्यूबा में हर 155 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। ये अमेरिका और इटली से बेहतर है। बेहतरीन विशेषज्ञों की वजह से क्यूबा लंबे समय से ही अपने यहाँ दुनिया भर के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी ELAM में फिजिशियंस को प्रशिक्षण मिलता है। साल 1998 से अब तक 123 देशों के डॉक्टर यहाँ प्रशिक्षण पा चुके हैं। खुद UN के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बैन की मून के अनुसार क्यूबा का मेडिसिन स्कूल दुनिया का सबसे आधुनिक मेडिकल स्कूल है। यही वजह है कि क्यूबा की मेडिकल सुविधाओं को क्यूबन मॉडल के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इस देश में जानकार डॉक्टर तो हैं, लेकिन आर्थिक तंगी है। ऐसे में डॉक्टरों को बाहर भेजा जाना क्यूबा के अर्थव्यवस्था पर कई तरह से मदद करता है। इस बारे में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के विशेषज्ञ मार्क क्लियर बताते हैं कि जिसे वेनेजुएला में साल 1998 में अंदरूनी क्रांति हुई, उसके बाद वेनेजुएला और क्यूबा एक दूसरे की मदद करने लगे। तेल के मामले में मजबूत वेनेजुएला क्यूबा को पैसों और तेल की मदद करता था, तो बदले में क्यूबा उसे डॉक्टर और तेल प्रशिक्षक भेजता रहा। फिलहाल क्यूबा में कोरोना वायरस के रोजाना 1,000 मरीज आ रहे हैं, यानी यहाँ भी कोरोना संभला नहीं है। अब इसे ही ठीक करने के लिए क्यूबा वैज्ञानिक एक साथ 5 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इनमें से 2 वैक्सीन अपने अंतिम चरण में है। इन्हें स्पेनिश नाम सोबेराना दिया गया है जिसका अर्थ है संप्रभुता। एक और वैक्सीन का नामकरण क्यूबा के क्रांतिकारी जोस मित्री के नाम पर हुआ। इसके अलावा 2 वैक्सीन को क्यूबा को स्पेन से आजादी दिलाने वालों को समर्पित किया गया है। सोबेराना 2 नाम की वैक्सीन के तीसरे चरण में 44,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इसे सेंटर फॉर स्टेट कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस को भेजा जाएगा, जहां पर मंजूरी के बाद ये अस्पतालों में पहुंचेगा। ईरान और वेनेजुएला में भी इसका ट्रायल चल रहा है। दिलचस्प बात ये है कि क्यूबा कोरोना से परेशान होने के बाद भी दुनिया के उन कुछ देशों में है जिनके यहाँ अब तक विदेशी वैक्सीन लेकर टीकाकरण शुरू नहीं हुआ। फिलहाल क्यूबा के वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वैक्सीन की तीसरी डोज भी चाहिए होगी या 2 हफ्तों के अंतराल पर दोनों डोज देना काफी रहेगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि ये वैक्सीन सामान्य फ्रिज के तापमान पर काम कर सके। इस ट्रायल के रिजल्ट मई की शुरुआत में आने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच देश में 1,24,000 हेल्थ वर्कर्स को एक अन्य वैक्सीन अब्दाला दी जा चुकी है। क्यूबा सरकार का दावा है कि बहुत से देशों ने उससे 100 मिलियन डोज खरीदने की बात की है। कई गरीब देश जो पश्चिमी देशों की महंगी वैक्सीन नहीं ले पा रहे, वो क्यूबा की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। कम्युनिस्ट देश वेनेजुएला ने यहाँ बनी वैक्सीन अब्दाला का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। वैसे क्यूबा के अपनी वैक्सीन बनाने और अमेरिका या उसके मित्र देशों ने वैक्सीन न लेने का कारण क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव भी माना है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया 2 ताकतवर हिस्सों में बटी तो क्यूबा ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए रूस का पक्ष लिया था।
यही बात अमेरिका को खटकती रही और उसने क्यूबा पर खूब पाबंदियां लगा दी। दोनों देशों के बीच अब भी तनाव चला रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।